नेटवर्क मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आप क्या करते हैं? प्रायः देखा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को एक प्रश्न अत्यंत दुविधा में डालता है। वह यह प्रश्न है कि जब लोग उनसे पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं, ऐसे में वह स्पष्ट शब्दों में कह भी नहीं पाते हैं कि वह नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में है, क्योंकि इस व्यवसाय को लेकर अधिकतर लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएँ हैं। अब जैसे ही यह प्रश्न किसी लीडर के कान में पड़ा, वह उलझन में आ जाता है कि आखिर सही उत्तर क्या दिया जाए। प्रायः देखा जाता है कि इस प्रश्न के उत्तर में लीडर्स अलग अलग तरह के रचनात्मक और लुभावने वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु उनमें इतना प्रभाव नहीं होता है कि प्रश्न पूछने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए और उनसे व्यवसाय के विषय में कुछ जानना चाहे। व्यवसाय करते हुए अभी तक आपके जीवन में यह अवसर कई बार आया होगा कि जब आपको इस प्रश्न का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है आपने किताबों को पढ़कर या अपने कुछ प्रशिक्षणों में या सीखकर इसका जवाब दे भी दिया हो, परंतु हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में अभी तक आप जो भी बोलते आ रहे हैं उसका घनत्व केवल 20% है। बाकी 80% भाग, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आज तक आपने सुना ही ना हो। अब यहाँ आपके मन में अवश्य ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि आखिर इन प्रश्न के उत्तर का 80% भाग कौन सा है। चलिए आपको बताते हैं, जब भी आपसे कोई यह प्रश्न करता है कि आप क्या करते हैं, तो बिल्कुल भी विचलित मत होइए, अपितु पूर्ण विश्वास के साथ उसे उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जी आइए मैं बताता हूँ कि कैसे उत्तर देना है। उसको बोलना है कि मैं लोगों के खर्चों को निवेश में बदलता हूँ। क्या बोलना है? उसको बोलना है कि मैं लोगों के खर्चों को निवेश में बदलता हूँ। विश्वास कीजिए, इससे अच्छा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। आप उन्हें कह सकते हैं कि आपके हाथ में एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप उनके घरेलू खर्चों को निवेश में परिवर्तित कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने द्वारा किए जाने वाले खर्चों से कोई आय होती नहीं है, आय नहीं होती है, बल्कि अपने द्वारा किए गए किसी भी निवेश में कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होता है। अब इतना उत्तर देने के बाद आप उनसे प्रश्न पूछिए कि उनके विचार में लोगों के खर्चों को निवेश में बदलना अच्छा काम है या बुरा काम है। अब वह स्वाभाविक है कि कोई भी इसे गलत नहीं बोलेगा, वह आपकी बात से सहमत होगा और यह वास्तव में अच्छा काम है वो भी मानेगा, क्योंकि हर व्यक्ति घर में कुछ ना कुछ खर्चे तो अवश्य करता है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपने इतनी सहमति करवा कर प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने से पहले ही व्यवसाय में आने के लिए मना लिया है। संभव है कि जब किसी को आपने यह कहा कि आप लोगों के खर्चों को निवेश में बदलने का काम करते हैं, तो वह व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि कहीं आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात तो नहीं कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में घबराइएगा मत, बिल्कुल अपनी सूझबूझ और उत्साह से प्रोस्पेक्ट के प्रश्नों का सामना कीजिए। यहाँ पर हम आपको प्रोस्पेक्ट के साथ एक वार्तालाप का उदाहरण पेश करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रोस्पेक्ट बोलता है कि क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको बोलना है नेटवर्क मार्केटिंग से आपका क्या मतलब, ऐसे सवाल करना उसे। अब प्रोस्पेक्ट पूछेगा, मतलब यहाँ कुछ लोगों को जोड़ना होता है और कुछ सामान बेचना होता है। आप उनसे बोलिएगा, क्या वाकई आपका मतलब यह है कि इस व्यवसाय में लोगों को जोड़ना पड़ता है और सामान बेचना पड़ता है, ऐसा प्रश्न के तौर पर जैसे हम लोग बातचीत के भाषा में पूछते हैं, आप उनसे पूछिएगा। फिर प्रोस्पेक्ट बोलेगा, हाँ दरअसल मेरे कहने का यही मतलब है। तो आप बोलिएगा, अच्छा एक बात बताइए, आपके पास जो आपका मोबाइल फ़ोन है कौन सी कंपनी का है? तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा, अच्छा मेरा मोबाइल फ़ोन यह दरअसल इस कंपनी का है। और आप उससे पूछिएगा कि अच्छा तो श्रीमान यह बताइए कि इस कंपनी ने आपको मोबाइल बेचा है या आपको अपने साथ जोड़ा है? अब यहाँ स्वाभाविक है कि आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा कि उसे उस कंपनी का मोबाइल बेचा गया, ना कि उसके साथ उसे जोड़ा। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा, हाँ अवश्य ही उन्होंने मुझसे यह बेचा है। अब आप बोलिए कि अच्छा तो उन्होंने आपको यह मोबाइल बेचा है, और बेचने का अर्थ है कि किसी को कोई वस्तु बेच देना और फिर छोड़ देना। प्रोस्पेक्ट बोलेगा, जी हाँ यही अर्थ है, सामान देकर हट जाना। फिर आप बोलेगा, अच्छा तो आप एक बात बताइए कि आपने जहाँ से भी यह फ़ोन की ख़रीदारी की है, उन्होंने आपको यह नहीं कहा है कि आपको उनके साथ जुड़ कर रहना है और उन्हें मदद करना है आगे यही मोबाइल बेचने के लिए, ताकि आपका कुछ लाभ हो? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, परंतु हो सकता है फिर भी आपने किसी ना किसी को यह फ़ोन खरीदने की सलाह दी होगी, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हमें जो वस्तु पसंद आती है तो हम दूसरों को अवश्य वही वस्तु खरीदने की सलाह देते हैं। यदि ध्यान से देखिए तो हुआ क्या कि आपको यह मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा और आपने अपने लिए होने वाले संभावित मुनाफे को नज़रअंदाज करते हुए कंपनी के लिए एक बड़ा मुनाफा तैयार कर दिया। पूछिए कि क्या कभी उसके साथ ऐसा हुआ? उन्हें बताइए कि अधिकतर हम लोग ऐसा ही करते हैं।
प्रॉस्पेक्ट बोलेगा जी हाँ ऐसा ही करते हैं, हाँ अवश्य बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अभी हाल ही में मैंने अपने कुछ मित्रों को यही फ़ोन ख़रीदने की सलाह दी है और दरअसल मैंने भी अपने मित्र को यही सलाह पर फ़ोन भी ख़रीदा है। आप बोलिए बहुत अच्छा सर। अच्छा इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई भी कंपनी आपको कुछ बेचती है तो कहती नहीं है कि आप आगे भी लोगों को उसके बारे में बताएं, बस आधार एक ही होता है कि आपको वह चीज़ अच्छी लगती है और आपने चाहा कि आपके मित्रों और संबंधियों के पास भी वो चीज़ होनी चाहिए। इस प्रकार आपके सुझावों के आधार पर उस कंपनी की बिक्री बढ़ती चली जाती है, परंतु दुर्भाग्यवश उस कंपनी ने आपके उस मुनाफे का एक रुपया भी आपके साथ नहीं बांटा और आप उसी कंपनी के लिए एक नेटवर्क तैयार करते जा रहे हैं और अपने मौखिक विज्ञापन से ना जाने कितने लोगों को उस कंपनी का उत्पाद खरीदने के लिए मनाते जा रहे हैं। फिर उन्हें स्पष्ट कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं वही है नेटवर्क मार्केटिंग, और फिर भी उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ तो आप फिर से उन्हें स्पष्ट कीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं जिसे वह नेटवर्क मार्केटिंग दूसरों को जोड़ने का नाम देते हैं, वो काम तो वो बचपन से करते आ रहे हैं। ये बात आपको उनको समझानी पड़ेगी और जैसे ही बात ये उनके समझ में आ जाएगी तब आपके बिजनेस प्लान को वो समझेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को भी देखेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी परचेस करेंगे। पेमेंट भी हाथ में रहेगी और उनका साथ भी आपके बिजनेस में हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाओ भाई फॉलो करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। चैनल को बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, 80% लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 20% लोग ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखा है, बाकी के सब लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखकर चले जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और जितना जल्दी हो सके आपके सपोर्ट से ये फैमिली बहुत बड़ी होने वाली है। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी आकर वीडियोस को देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए।